अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, डिप्टी सीएम चौना में और प्रदेश अध्यक्ष तापिर गांव के काफिले से 1,08,00,000 रुपए बरामद होने पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस ने पूछा है कि चुनाव आयोग समेत अन्य एजेंसियां एफआईआर दर्ज कर बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं। गो न्यूज संवाददाता अजय झा ने इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी से बात की। अरुणाचल प्रदेश में आज प्रधानमंत्री मौजूद हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कैश फॉर वोट का, और कल जिस तरह से वहां पे कैश बरामद किया गया उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कई सवाल उठा रही है, चुनाव आयोग से इसमें इंटरवीन करके कार्रवाई की मांग कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं। क्या आप लोग मांग कर रही हैं और जो आरोप लगाया है उसको किस तरह से सत्यापित करें? देखिए, दो चीज़ बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वहाँ के उम्मीदवार और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कॉन्वॉय में बकायदा कैश मिलता है 1.8 करोड़। और अगर आपने वीडियो देखा होगा, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमने इतना कैश नहीं देखा है जितना इनके कॉन्वॉय से निकला है। तो स्पष्ट हो गया है कि नोट लो वोट दो का पूरी मुहिम चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिडनाइट रेड होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे 10 बजे वहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और कार्रवाई हो तो क्यों चीफ मिनिस्टर अपनी जगह पर बने रहें, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपनी जगह पर बने रहें, जब खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और कैश के माध्यम से वोट बटोरने का काम किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अब से कुछ देर पहले जानकारी आई है कि इस पूरे मामले की जानकारी वहां के सीईओ तक नहीं पहुंची। आपको लगता है लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है, मिटाने की एविडेंस? बिल्कुल, क्योंकि माहौल तो ऐसा हो गया है, मोदी है तो मुमकिन है कि भ्रष्टाचार अपरंपार है, पर मोदी है तो मुमकिन है किसी तरीके की जवाबदेही से बचना हो भारतीय जनता पार्टी को तो मोदी है तो मुमकिन है। ये पूरी कार्रवाई जिस तरीके से हुई है, रात को ये रेड होती है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। पर अगर इलेक्शन कमीशन ये कहे कि हमारे पास जानकारी ही नहीं है तो देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम है और झूठ परोसने का काम बकायदा बगैर जवाबदेही से भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है जिस तरह से जो कॉन्वॉय बताया जा रहा है कि उसमें चीफ मिनिस्टर का कॉन्वॉय था और उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष इन्वॉल्व थे, तो सरकारी प्रशासनिक गाड़ी के अंदर ये सारा खेल चल रहा था और इतना सारा रुपया ले जाया गया? बिल्कुल, और आप देख रहे हैं किस तरीके से खुली छूट के अंतर्गत ये कार्रवाई चल रही है कि कहीं भी ऐसे माहौल बना दिया गया है कि जब सैया भाई कोतवाल तो भाई का किसी चीज़ की डर ही नहीं है, ना जवाबदेही है, ना अकाउंटेबिलिटी हो रही है, ना ट्रांसपेरेंसी है। तो इतना अपरंपार भ्रष्टाचार जब इलेक्शन का माहौल है करना, तो ये तो प्रजातंत्र के लिए भी आने वाले समय में हानिकारक रहेगा। रिजिग्नेशन डिमांड करें सीएम? हम तो चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के जो अध्यक्ष जो कैंडिडेट हैं, क्यों उनको नहीं निकाला जाए और क्यों उनका कैंडिडेचर को ख़त्म नहीं किया जाए, ये हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसका उल्लंघन करते हुए काम हो रहा है। धन्यवाद। तो साफ तौर से प्रियंका चतुर्वेदी जी का कहना था मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो कैंडिडेट हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।